श्री गणेश चतुर्थी की विद्यार्थी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे सभी हमारे सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना हॉल में अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की इस बेला के पश्चात मैं कार्यक्रम अतिथि भाई के लिए मैं दो शब्द कहने के लिए पुकार रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल साहब को व्याय और हमारे अतिथियों के सम्मान में दो शब्द कहते हैं। को सुने काफी समय हो गया था, अभी अवसर आया पत्रकारिता विषय को लेकर आदरणीय सत्य गणेश चतुर्थी विद्यार्थी जी की पुण्यतिथि को लेकर तो सभी साथियों ने बैठक में तय किया कि क्यों मेरा राजेश जी का भी परिचय मेरा राजेश जी से कम है।
और उनके पिता कैलाश पाठक अनवर जी से ज़्यादा रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित श्री नाहटा जी, सम्मानित राजिया जी, महेश मिश्रा जी, भटवाल जी, सम्मानित हमारे धीरेन्द्र जी और सभी बड़ी संख्या में उपस्थित शहर के गणमान्य नागरिक बंधु भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि पत्रकारिता के इतिहास में शायद ये नाम ही अपने आप में पर्याप्त है। प्रदेश समाज में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को स्थान दिया, उस पर बहुत ज्यादा व्याख्या अगर करना है तो हम प्रारंभ भी गणेश शंकर विद्यार्थी से कर सकते हैं और अंत भी हमारे उद्बोधन संबोधन का गणेश शंकर विद्यार्थी पर आकर केंद्रित हो जाता है। हम सब जानते हैं कि समाज जीवन में बहुत सारी चीजें होती है और पत्रकारिता को जिस तरीके से आधार माना गया है समाज जीवन में, उनमें बहुत बड़ी प्रेरणा गणेश शंकर जी की रही है। मैं उस पर बहुत अधिक व्याख्या उनके जन्म पर, उनके कार्यों पर नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कई चीजें हैं कि व्यक्ति एक एक परिस्थिति से परिणामों तक पहुंच सकता है। अभी हम जब उत्थान इसके विमोचन कार्यक्रम में खड़े थे, भटनागर जी ने एक पुस्तिका का विमोचन किया तो उसके पन्ने पलटा कर देखने पर महसूस हुआ कि एक व्यक्ति अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त कर देता है। उनका चिंतन शिक्षा पर भी है उस पुस्तक में, तो उनका चिंतन देश समाज की हर परिस्थिति पर है। कविता के माध्यम से बात कहने भी कोशिश भी की है, तो अपने स्वयं के समाज कायस्थ समाज में से क्या प्रेरणा हो सकती उसको भी उन्होंने इंगित किया है। कैसे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें इस पर भी ध्यान गया, तो एक व्यक्ति कितने बिंदुओं को छू सकता है, इसे हम साहित्य कहते हैं या इसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। एक ऐसा अवसर समाज जीवन में हम सबके सामने उपस्थित रहता रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जो जीवन है उसमें ऐसी अनगिनत प्रेरणाएं हैं, प्रताप पत्र के प्रकाशन से लेकर अभिव्यक्ति के उन दौरों तक। लेकिन हम जब आज वर्तमान परिस्थिति में जाकर देखते हैं, महसूस करते हैं, पत्रकारिता के भाव को समझते हैं, परिस्थितियां बहुत बदली हुई महसूस होती है। पत्रकार के सामने एक मिशन होता है, उसे लक्ष्य अपने सामने नजर आते हैं, उसे क्या करना है, क्या हो रहा है, उस पर उसकी बेचैनी प्रकट होती है। लेकिन जब गणेश शंकर विद्यार्थी थे तब टारगेट था आजादी, हमें अपने देश समाज के लिए कुछ काम करना, वो लक्ष्य बहुत सारी चीजों से बहुत बड़ा नजर आता था। उनके अपने जीवन में उनकी नौकरी, उनके परिवार चलाने के प्रबंधन से सारी चीजों को छोड़कर वह अपने तय किए हुए मानकों पर आगे बढ़ता है। उस समय ब्रह्म समाज हुआ करते थे, उस समय आर्य समाज की अपनी स्थिति थी, उस समय थियोसोफिकल सोसाइटी का अपना एक प्रभाव प्रभुत्व था, तो समाज जीवन में ऐसी कई संस्थाएं थी जिनका मनुष्यों पर प्रभाव था और उन प्रभावों को अपनी प्रेरणा का केंद्र बनाकर पत्रकार भी समाज जीवन में आगे बढ़ जाता था। अब जब समकालीन पत्रकारिता से हम आज की पत्रकारिता की तुलना करेंगे, मैं समझता हूं शायद बेमानी हो जाती है, क्योंकि आज के लक्ष्य ही अलग दिए गए हैं समाज में। आज पत्रकारिता के उसके पास तो मानक ही नहीं बचे साहब, पत्रकार अपने मानक कहां तय कर लेता है, मीडिया हाउस के अंदर उस लेखनी के थली को कहां स्थान मिलता है, उसे स्थान बनाना है, उसे टारगेट कुछ और दिए गए हैं। टीआरपी तो तय करेगी उसकी लेखनी की शैली को, अब जब टीआरपी तय करेगी लेखनी की शैली को
क्योंकि विज्ञापनों से बना हुआ एक प्रबंधन है। इस सब प्रबंधन के बीच में से वो अपनी उस निश्चय शैली को निकाल ले आए। शायद मैं समझता हूं ये चुनौती आप सब लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उस सब में से अपने को खड़ा करना, खरा उतारना और समाज जीवन की कुआवों और प्रतियोगिताओं के बीच में लक्ष्यों का उछल हो जाना, ये आज की चिंता का सबसे बड़ा विषय है। अब आज हम बात करें तो प्रभास जोशी ने लेख लिख दिया बैड न्यूज पर, और उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जगत के लिए, पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब उसके लेख के बाद देश भर में हलचल मची, उस पर चिंतन मनन हुआ, चुनाव आयोग ने जब उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए किया, तो वो तो 700 करोड़ का व्यापार था पेड न्यूज। अब उसमें से पत्रकार कैसे अपने आप को निकाल पाएगा? 3000 से अधिक नोटिसेस चुनाव आयोग ने उसके बाद जारी किए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकार किसको कहें, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लगातार 2004 के बाद इन 10-12 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, तरीके बदल गए, व्हाट्सएप आ गया, सोशल मीडिया के अपने तरीके हो गए खड़े। 20 साल हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैदान में खड़ा है। क्या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ को पत्रकारिता से दूर मान सकते हैं क्या? लेकिन कठोर परिश्रम तो प्रिंट मीडिया को और ज्यादा करना पड़ता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से बात करते हैं तो बोले चुनौती हमारे सामने ज्यादा है कि हमें त्वरित देना है। प्रिंट मीडिया वाला कहता है कि इन्होंने जो दे दिया है, कल सवेरे अगर हमारी न्यूज तब जाकर चलेगी तब हम उसको तथ्यों पर आधारित करके डाटा कलेक्शन के को बेस बनाकर दे देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास ये चुनौती नहीं है, प्रिंट मीडिया के सामने ये चुनौती है। लेकिन संदर्भ बदल गए, प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गए, और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं समझता हूं कि देश सोशल मीडिया की तरफ जा चुका है। क्या सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग पत्रकार नहीं माने जाएंगे क्या? संदर्भ बदल गए, पैमाना बदल गया, मैदान बदल गए। अब ये सब चीजें हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? अगर गणेश शंकर विद्यार्थी को देखना है तो लक्ष्यों पर आना पड़ेगा। तो लक्ष्य तय करने वाली कोई एजेंसी है क्या? तो लोग सरकारी एजेंसी की तरफ देखते हैं। समाज में जो आदर्श है, जो प्रेरणा के केंद्र है, वो भी तो एजेंसी हो सकती है। तो क्या सामाजिक आदर्श अब एजेंसी के रूप में काम कर पा रहे हैं? वो ओझल है, वो भ्रम में है, वो विचलन में है। और कोई अगर पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को आदर्श बनाकर आगे बढ़ना चाहेगा तो समाज में उसे मुकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोग सोचते हैं कि युद्ध था उस समय ब्रिटिशर्स से, आज युद्ध समाप्त हो गया क्या? आज हम युद्ध जीत गए क्या? जिन पैमानों पर युद्ध लड़े गए थे उनमें तो कोई एजेंसी थी जिसने देश पर कब्जा कर लिया था और उसे बाहर करना था, लेकिन बाहर करने के बाद हमारे अपने जीवन के जो मानक थे या युद्धों के अंदर जो परिणाम होते हैं, युद्ध क्यों लड़े जाते हैं? मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने, डच ने, इन सब ने युद्धों के मैदान में अपने आप को आगे बढ़ाया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बहुत स्पष्ट, उन नस्लों और उन वंशों के लिए जिस तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं उनके लिए कुछ लूट कर ले जाना। तो क्या लूट आज बंद हो गई है? क्या दुनिया के वो देश लूटने की अपनी इस लड़ाई को बंद कर दिए हैं क्या? उस पैमाने पर कौन सोचता है? लोग सोचते हैं युद्ध तो समाप्त हो गया साहब, हम तो आजाद हो गए। एक दौर था कि बर्बर तरीके से युद्ध होगा,
सारा संस्कृति को ना समाप्त कर दो, धन को सारा लूट कर ले जाओ, हजार सालों तक हमने झेला। बाद में बहुत सुंदर तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के बाद अपने आप को डिजाइन कर लिया, डिजाइन करके वो आगे बढ़ लिए। लोग अपने कहे संदर्भ को कई बार बदलते हैं। अभी मैं देख रहा था भटनागर जी ने वेदों के संबंध में भी कुछ लिखा है। वेदों को तो गडरियों के बीज कह दिया था दुनिया ने, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वो तो विज्ञान के आधार है। तो क्या पत्रकारिता के लिए पैमाने समाप्त हो गए क्या? लेकिन पत्रकार क्या करे, पाठक चाहिए ना, क्योंकि अब तो टीआरपी का खेल। वगैरह इन बिंदुओं पर लिखेगा कि मैक्स मूलर ने क्या कहा, या मैकॉले 1837 में भारत की शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन कर गए, उस अनुरूप हम कहां खड़े हैं, तो लोग कहेंगे बेकार की बात है, ये कहां चले गए भाई आप। आज सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात मैदान में आ जाती है, उसका कोई पैमाना है, या सारे लोग खोल ओढ़कर खड़े हैं कि ये सहिष्णुता के पाले वाले, ये असहिष्णुता के पाले में खड़े हैं। क्या पत्रकार उनको विभाजित कर सकता है? क्या पत्रकार उनके अंदर से कुछ चीजें निकाल सकता है कि सहिष्णुता और असहिष्णुता क्या होता है? ये सिर्फ राजनीतिक जुमला है क्या? गणेश शंकर विद्यार्थी किसी की राजनीति के कारक बने थे क्या? लक्ष्य बहुत स्पष्ट था उनके सामने, और इसलिए इन संदर्भों पर आज भी काम हो रहा है देश में। पत्रकारिता के उन मानकों पर लोग आज भी काम करते हैं। मेरे स्वयं के छोटी सी उम्र में अनुभव के आधार पर ऐसी बहुत बड़ी संख्या है पत्रकारिता के अंदर काम करने वाले लोगों की, जो अपने आप को इन विषयों के इर्द गिर्द खड़े करते हैं। अब लोग कहते थे साहब भारत की तो आर्थिक तबाही है, अब तबाही है तो मुद्दे तो निकाल के लाए जा सकते हैं, छोटा मुद्दा है कोई बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं चीन के कारण है, कोई कहता पाकिस्तान के कारण है, कोई कहता युद्ध हो रहा है इसके कारण, कोई कहता हमने अपनी संरचनाओं पर ध्यान नहीं दिया, कोई कहता कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, कोई उसको खोजने की कोशिश करता है हिंद स्वराज में गांधी ने क्या लिखा, क्या उन आदर्शों पर हम आगे बढ़े, कोई तिलक और गोखले में से निकालने की कोशिश करता है, कोई विनोबा में से ढूंढता है कि इस भारत को भारत कैसे बनाए। लेकिन मानक तो टूटे नहीं। अगर भारत विश्व गुरु था, या भारत आर्थिक रूप से सत्ता संपन्न आर्थिक रूप से संपन्न था, तो उसका मूल कारण था हमारी कनेक्टिविटी दुनिया के तमाम देशों से थी, हमारी सांस्कृतिक यात्रा के पैमाने बहुत स्पष्ट थे, सहिष्णुता और असहिष्णुता के शब्दों से बहुत दूर हम दुनिया के वैभव और दुनिया के कल्याण के लिए काम करते थे। वो मानक टूट गए क्या? उन मानकों पर कौन काम कर रहा है? उन मानकों के इर्द गिर्द खड़ा कौन है आज? अब मैं कई बार देखता हूं भारत का नक्शा उठाकर देखता हूं, ब्रिटिश इंडिया को देखता हूं, ब्रिटिश इंडिया के ओसीन हिंद महासागर पे उसकी कंट्रोल की पोजीशन को देखता हूं, सिल्क रूट पर बात करने की कोशिश करता हूं। कई पत्रकार साथी होते हैं जो इन चीजों पर बहस कर रहे हैं। चीन ने आज सारी दुनिया को समझाने में सफलता हासिल कर ली, उसने 300 अर्थ ऑब्जर्वर लगवा दिए और कह दिया कि सिल्क रूट का असली मालिक वो था। कौन डिबेट में खड़ा है? उसने सारे ऐसे सुगम मार्ग बना दिए। हमारी इन डिबेटों की हैसियत और ताकत कितनी है, हमारे अध्ययन की क्षमताएं कितनी है, हमारे डाटा कलेक्शन के तरीके कितने पेने हैं, उस पर कौन करेगा काम? जब हम सारी दुनिया में व्यापार करते थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि अमेरिका में हम कहां खड़े थे 1492 के पहले कोलंबस गए, लोगों ने कह दिया कि वास्को डी गामा ने भारत खोजा। मैं कई बार सोचता हूं कि मुझे कहीं FIR नजर नहीं है, और ऐसी जरूरत नहीं थी कि भारत घूम गया और उसे तुम ढूंढ लो, लेकिन हमें पढ़ा दिया गया। तो दुनिया के वर्तमान परिप्रेक्ष्यों का अगर जब हम अध्ययन करने निकलेंगे, तो मूल था हमारी पत्रकारिता के स्वभाव में, अगर हम नारद के काल से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी तक आ जाए, और जो नाम दिया समाज जीवन ने चौथे स्तंभ के रूप में, मैं समझता हूं उन मनीषियों का मैं नमन करना चाहूंगा जिन्होंने इसे चौथा स्तंभ बनाया, जिन्होंने इसे चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकृति दी। क्योंकि समाज जीवन के पेने पन पर जाने के लिए छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं वाटर रिसोर्सेस कमेटी के अंदर गया,
मुझे पता पड़ा कि 80% पाइपलाइन हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय हो गए, डिमोलिश हो गए। अब कौन काम करेगा इस पर साहब? पत्रकारों ने तो उठाया होगा कि घटिया काम हुए, उनकी अपनी सीमाएं होगी, उनकी अपनी टेरिटरी होगी, छोटे अखबार से लेकर बड़े अखबार तक ने ये बातें उठाई होगी। लेकिन चौथे स्तंभ की कही इस बात को समाज जीवन के उन स्तंभों ने स्वीकारता दी क्या? यानी हमारे अपने अंदर कही हुई बातों को किस तरीके से गौर कर जाना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक शैली आ गई, नेता है तो बोलता ही रहता है, पत्रकार है तो लिखता ही रहता है, उस पर कौन काम करता है, उस पर कौन चिंतन करेगा? मैं भी इंडोनेशिया गया था, वहां मैंने देखा चारों तरफ भारत की संस्कृति बिखरी पड़ी है, हजारों की तादाद में मंदिर, हजारों की तादाद में मूर्तियां। तो मैंने पूछा कौन लोग थे? आज भी नाम है, मुस्लिम लोगों के नाम आज भी हिंदू नामों पर हैं, इस भारत की संस्कृति के नामों पर है। लेकिन हमने जब हम तारिक फतेह को सुनते हैं वो बिल्कुल अलग लाइन पर चलते हैं। हम जब बलूची भाइयों से मिलते हैं, मुझे अवसर मिला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के भाइयों से मिलते हैं, तिब्बत के भाइयों से मिलते हैं, नेपाल के हमारे भाइयों से मिलते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि शायद भारत को शब्दों के जाल में उलझा दिया गया है, इसमें से निकालना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम अपने तरीके को, अपने तरीके से देश को बनाने के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। आज भारत के अंदर हमारी सीमाएं संकुचित हो गई, हमारे काम करने के तरीके बदल गए। आज हम देखते हैं कि भारत को चारों तरफ से हमारी कनेक्टिविटी समाप्त है। 1938 में म्यांमार हमसे अलग हो गया है ना, हमारी कनेक्टिविटी कट गई। हम इधर जाएं तो पूरा का पूरा हमारा मध्य एशिया से हमारी कनेक्टिविटी कट गई। आज उसी चीज को चाइना ने आगे बढ़ाया और ग्वादर तक एक नई लाइन खड़ी कर दी। ये महसूस करने का वक्त है कि क्या भारत को पुनः आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न बनाने में मीडिया की एक कोई भूमिका है? क्या इन प्रश्नों को बार बार देश और दुनिया के सामने उठाने का सही वक्त है? क्या हम अपने आप पर, अपने सामाजिक जीवन में, अपने स्वास्थ्य, अपनी स्वच्छता, अपने आर्थिक प्रबंधन, अपने शिक्षा के प्रबंधन के बीच में और इन मानकों को आधार बनाकर काम करना, मैं समझता हूं इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी एक आदर्श के रूप में हमारी आंखों के सामने होगा। एक अकेला व्यक्ति अगर उनके सामाजिक जीवन पर अध्ययन करें, उनके शिक्षा और उसके बाद के जीवन पर अध्ययन करें, उनकी राजनीतिक लड़ाई चाहे अंग्रेजों से रही हो लेकिन उसको लड़ने के तरीके पर हम बात करें, तो आज हमें महसूस होगा कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो युद्ध आज भी खड़ा है। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ना है, स्वस्थ भारत बन सके उसके खिलाफ युद्ध लड़ना है, दुनिया के तमाम लोगों ने भारत को बाजार समझ लिया उसके खिलाफ युद्ध लड़ना है। और मैं गैर राजनीतिक बात कर रहा हूं क्योंकि स्तंभों की बात है, राजनीति से हटकर है। और ऐसा कभी नहीं है कि देश में जो भी राजनीतिक दल आया हो वो देश के लिए काम नहीं करना चाह रहा हो, काम तो सभी ने करना है और सभी ने किया है। लेकिन अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में हम काम नहीं करेंगे तो शायद वो अधूरापन रहता। और आज अगर कोई कर पा रहा है काम तो उसमें मैं धन्यवाद दूंगा चौथे स्तंभ को कि क्या कमाल का नेटवर्क है, बहुत तेजी से देश के हर मुद्दे को उठाकर और पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, हर एक गलती को बताया जा रहा है, हर एक चीज को जनता के सामने लाया जा रहा है। शायद यह पहनापन, यह दिव्य दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि जब पत्रकारिता के प्रारंभ के दौर में हम नारद का स्मरण कर लेते हैं, कई लोग उपहास के कारक बनाते, लेकिन मैं उन्हें वंदनीय और पूजनीय मानता हूं कि वर्तमान दुनिया को बचाए रखने में चौथे स्तंभ की जो भूमिका थी, न्यूजों को, संवादों को त्वरित पहुंचा देना, तत्काल सारी दुनिया को अपनी कनेक्टिविटी के अंदर ले लेना, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चौथे स्तंभ के सामने ये चुनौती भी है और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। और मैं उसमें सोशल मीडिया से लेकर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं अपनी दृष्टि में शायद सभी को पत्रकार मान रहा हूं क्योंकि सूचनाओं को संकलित करके देश समाज के सामने ले जाना यह अपने आप में पत्रकारिता होता है। और उसको निभाने वाला यह स्तंभ निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है। और मैं अपेक्षा भी करूंगा कि हम कई बार महसूस करते हैं, अभी मैं लोकसभा में जाते जाते पांव स्लिप हो गया तो हमारे बड़े भाई जिन्हें मैं आदर्श मानता हूँ नरेंद्र सिंह जी वहीं थे,
बोले सुधीर थोड़ा सा धीरे चला कर। तो मुझे लगा कि ये सब होना चाहिए, कोई तो रोके, कोई तो टोके। क्या हम इतने बड़े नहीं हो गए सांसद हो गए तो? क्या हम अपने आप में इतने अभिमानी नहीं हो गए? इसलिए कहीं अवसर आना चाहिए, और वो टोकने का अवसर और अधिकार पत्रकारिता को पूरे भारत ने दिया है कि कहीं रोक दे, कहीं टोक दे, अपने आप को इतना विनम्र बनाने के लिए आगे कर दे आदमी कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है। अगर अभिमान से चलेगा तो समाज चलेगा, अभिमान से चलेगा तो हिंदुस्तान चलेगा। हम तो छोटे से उसके पात्र हैं, उस पात्र के रूप में हमने काम करना, और इसीलिए जो भूमिका आप लोगों के पास आई है वो बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर देश के हालात खराब हैं तो उसमें विधायिका दोषी है, न्यायपालिका दोषी है, कार्यपालिका दोषी है। शायद उस दोष से आप भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, उतने ही बराबर के आप भी दोषी हैं। और इसीलिए सही मार्ग पर सुंदर हिंदुस्तान बने ऐसी कल्पना आज भारत का हर एक व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि बदलते परिवेश में वैश्विक पत्रकारिता से लेकर और ग्राम स्तर तक के पत्रकारिता में बहुत काम करने की गुंजाइश है। और अपने मानकों को आधार बनाकर अगर हम काम करेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में पत्रकारिता प्राचीन समय की पत्रकारिता से कहीं दूर नहीं गई है, हमसे छूटी नहीं है, अभी डोर और नाता टूटा नहीं है, अभी वो सारी गुंजाइशें हैं। अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध आज भी चल रहा है, यह मानते हुए अपने आप को इस देश और परिवेश को बदलने के लिए साधक और साधन बनाइए। आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, जिन्होंने पत्रकारिता का वर्णन इतने सुंदर शब्दों में किया और देश और दुनिया के पत्रकारिता के स्वरूप को बहुत ही अच्छे शब्दों में माला के रूप में पिना के यहाँ पे उद्बोधन दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं साहित्य जगत के बहुत माने जाने शायद मंदसौर या मंदसौर के पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो आदरणीय बालकनी जी बैरागी के नाम से परिचित नहीं होगा। सरस्वती पुत्र और कई अलंकरों से अलंकृत किए चुके हैं साहित्य जगत में। आज से आपकी जो पहचान है शायद किसी भी व्यक्ति की साहित्य में आज तक इतनी लंबी पहचान नहीं रही। मैं आदरणीय बैरागी साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन मंसूर। कम कोई मेरी प्रशंसा तो कर पाए।
बहुत मुश्किल है राजनेताओं से तारीफ प्राप्त कर लेना, बहुत कठिन काम, लेकिन वो इतना आसानी से हो गया। लेकिन एक चीज मैं कहा करता हूं और आज फिर उसको दोहरा रहा हूं, कि मैं संस्कृत के शब्दों पर नहीं जाता, प्रचलित शब्दों पर जाता। एक शब्द यश और दूसरा शब्द विष। जो विष को पचा सकता है वही यश को पचाएगा, तब तो उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वरना फिर थका रह जाएगा। ये तो मुझे यशस्वी बना रहे हैं और ये कह रहे हैं इस तरह से कि इसको भी पचा लेना। मुझे पता है कि मैं मंदसौर में हूं और एक वर्तमान सांसद के साथ बैठा हुआ हूं, मेरे सामने मेरे मित्र बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं और पत्रकार बहुत हैं। गणेश शंकर जी विद्यार्थी की आज पुण्यतिथि, गणेश शंकर जी विद्यार्थी का बलिदान किस तरह से हुआ शायद उनका जीवन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। वो एक आजादी की लड़ाई के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगे में उनका जिसे कहें बलिदान हुआ, शहीद हो गए और उसके पश्चात जो कुछ पत्रकारिता उन्होंने स्थापित की उस पत्रकारिता को हम लोग किस तरह से चला रहे हैं, आज का मुद्दा ये बनाया आपने। एक नाम आपको याद होगा, विद्यार्थी जी तो आजादी देख नहीं पाए, लड़े आजादी के लिए और पूरे मन से लड़े, गंभीरता से लड़े, ताकत से लड़े और जिसे कहें पूरे आदर्शों के साथ लड़े, पत्रकारिता के साथ। अनायास एक दिन बुरहानपुर से लौटते समय मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी में। शायद कई लोगों ने नाम सुना हो कि नहीं सुना हो, पीछे भी बैठे हुए जवान इस उम्र के लोग। चतुर्वेदी जी का नाम नहीं सुना हो तो माखनलाल जी चतुर्वेदी हमारे बड़े देश के एक महाकवि भी हुए और पत्रकार भी, हम उन्हें दादा कहते थे। उनसे मेरा पहला परिचय हुआ तो मैंने उनसे पूछा किस्तर पढ़ते हैं, संस्मरण है किस्तर पढ़ते, मेरा परिचय करवाया जब बालक ही मेरा कि तो बोला अच्छा किस्तर पर सोए से, उसने मुझसे कहा कि चलो अच्छा हुआ तू आ गया, तू अभी तक मेरे कानों तक पहुंचा था, अब मेरी आंखों तक भी आ गया। चतुर्वेदी जी ने मुझसे कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, बोले क्या बात है। मैं कहा मुझे ये बताइए कि आप लिखते हैं वो तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता करते हैं उसमें आपका आदर्श कौन है, आपने इस पत्रकारिता में कर्मवीर उनका अखबार था साप्ताहिक कर्मवीर, खड़वा से निकलता पढ़ा जाता था। मैंने कहा आपका आदर्श कौन है, तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले सर आज कोई पूछे कहना कि मैं ईश्वर के पास जाने से पहले अपने आदर्श का नाम ले रहा हूँ, पत्रकारिता में मेरा आदर्श गणेश शंकर विद्यालय। मैंने उनसे सीखा और कर्मवीर उसी के आधार पर चलता रहा। आज के पत्रकारों के सामने जो परिस्थितियां हैं उस पर थोड़ी सी बात सुधीर भाई ने बात अपने हिसाब से कर ली, लेकिन मैं थोड़ा सा हट करके आपसे बात करना चाहूंगा। देश में आजादी आ गई, अब आजादी के बाद आपके सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि आपके पास कोई आदर्श है कि नहीं है। अगर पत्रकारों से ये सवाल करें हम कि आपका आदर्श कौन है, कोई नाम बता सकेंगे तो इधर उधर देखने लग जाओ,
और किसी से पूछे हैं कि फिर आप कैसा काम कर रहे हैं, तो आज के पत्रकारों के पास जो कमी है या पत्रकारिता में जो कमी नजर आती है वो मुझे ये नजर आती है कि हमारे पास आज लक्ष्य तो है पर आदर्श नहीं। और अगर आपके पास आदर्श नहीं है तो क्षमा कर देना, आप लड़खड़ाएंगे, आप फिसल जाएंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े पत्रकारों के साथ काम किया है, मुझे बनाने में जिन पत्रकारों का हाथ है उनके तीन चार के नाम अगर बता दूं तो शायद आप चौंकेंगे। राहुल बारोते, अब आपको से किसी को पता भी नहीं होगा कि राहुल बारोते कौन है। राजेंद्र माथुर, कई लोग जानते भी नहीं होंगे कौन राजेंद्र माथुर। धर्मवीर भारती, महावीर अधिकारी, शायद नाम भी नहीं सुने किसी ने, आप देखते होंगे। ऐसे कई नाम मैं आपको बता सकता हूं। प्रभाकर माचवे, कौन जानता है। इन लोगों के पास सबसे आदर्श था पत्रकारिता का, मतलब यह है कि आप एक डॉक्टर की ऑपरेशन की टेबल है, आप कौन सा अंग काटना और कौन सा रखना था बीमार स्वस्थ रहे, ये आपका काम है पत्रकारों का। लेकिन उसको आप कितनी ईमानदारी से करते हैं जब वो सब पूछो। पहले सुधीर भाई, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है इसलिए कह रहा हूं, पत्रकारिता का मूल धर्म क्या है। मूल धर्म है तटस्थता, जो कुछ है उसको तटस्थ होकर के लिख दो, इसमें इधर या उधर मत करो। जैसा अपन देखते हैं दिनों अखबारों में भी देखते हैं और टेलीविजन पर भी देखते हैं, चैनल्स पर भी देखते हैं, इधर या उधर करने की बातें मत करो। क्योंकि राहुल जी ने मुझसे कहा, महावीर अधिकारी ने मुझसे कहा, उनके शब्द दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि बरागी अगर तुम्हारे पास जो कलम और कागज है वो तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं और किसी का दिया हुआ है तो तुम तटस्थ नहीं, याद रखो। तुम्हारी तो कलम ही दूसरे की दी हुई है, तुम्हारा तो कागज ही दूसरे ने दिया है। क्योंकि हम पत्रकार सम्मेलन करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकार किसी चीज से कहते हैं करते हैं, तो सबसे पहले सजावट में क्या रखना पड़ता है, बोलो रे बोलो, क्या रखना पड़ता है, फिर आप तटस्थ कहां। जब भी आप वो कलम उठाएंगे तो कलम कहेगी कि लिख तो रहा है लेकिन तुझे मेरे या तेरे हाथ तक किसने पहुंचाया है मैं जानती हूं। वो कलम आपके हाथ में सरस्वती, और यदि सरस्वती आपके नहीं है तो फिर आप किसी के नहीं। क्षमा कर देगा। पहले तो अपनी इस पूंजी को संभालने की कोशिश करो। कभी कलम किसकी है, कागज किसका है, समाचार किसका है, कैसा है और आप तटस्थ है कि नहीं। पत्रकार क्षमा कर देना, पत्रकार आजकल उदयपुरी हो गए हैं, उससे पूछते हैं क्या नाम रखो, मैंने कहा उदयपुरी या नाम रख ले, बोले क्यों हो तुम्हें कहा। उदयपुर किसी जमाने में सुहावना शहर था, आज डरावना शहर है। जैसे मैं कहूंगा कि उदयपुर से आ रहा हूं तो आप पूछेंगे कौन बीमार है, अरे भाई कोई बीमार किसको लेके गए, कौन सा डॉक्टर है वहां। वो उदयपुर की झीलों की बात नहीं करता, कोई सहेलियों की बाड़ी की बात नहीं करता, कोई मेवाड़ की बात नहीं करता, बात करता है वहां के डॉक्टरों की। एक सुहावना शहर जिस तरह से समय की चपेट में आकर के डरावना हो जाता है, वो स्थिति आज पत्रकार की हो गई। आज पत्रकार सुहावने नहीं रहे, डरा करके कोशिश करते हैं। क्योंकि
हंसी आए तो हंसो, इनने कुछ पाबंदी भी लगाई चला।
सवाल आके वो गणपति के बोले हो, गणपति के लिखे हो, तो भारतवर्ष जानता है कि शब्द का मतलब क्या होता है, भारतवर्ष जानता है कि लिखे हो का मतलब क्या होता है, और भारतवर्ष जानता है कि सरस्वती का मतलब क्या होता है। यदि आप भगवान ने कलम देकर के पैदा किया है, पत्रकारों मैं उपदेश देने नहीं आया हूं, हाँ इनसे जरूर कहना है कि मैं जब आपकी जगह वहां था पहले 35-37 साल पहले 40 साल पहले तो पत्रकारों की पेंशन का मामला मैंने उठाया था जाकर साहब के सामने, कृपा करके जब भी समय मिल जाए आप भी उठा कोई संकोच मत करिए, आपके खिलाफ भी लिख रहा है कि आपके पक्ष में लिख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेक्स्ट नो डिफरेंस। लेकिन जो लिख करके अपनी वो दिल्ली में, हे भगवान आपसे पहले आपने मुझे बिठाया दिल्ली में, तो पत्रकारों से बात करना और कठिन है, जो ही पत्रकार मिलते हैं दो चार तो उनसे पहला प्रश्न क्या पूछना पड़ता है मालूम आपको, शायद नहीं पता होगा, ये गंभीर आदमी ये नहीं पूछेंगे, पहला प्रश्न ये करना पड़ता है कि आजकल कौन से अखबार में हो, क्योंकि पता नहीं उस अखबार में से कब निकल गया या निकाल दिया गया, एक एक अखबार के 38 संस्करण 40 संस्करण 50 संस्करण, एक एक अखबार के मोहल्ला संस्करण कि साहब ये तो फलाने मोहल्ले के संस्करण में छपा होगा, वहां में छपा होगा, वहां के संवाददाता अलग है यहाँ का अलग, जो बदलाव आया है सारा के सारा, पहले हो जाता था किसने लिखा, प्रभाष जोशी ने, ठीक, किसने लिखा, राजेंद्र माथुर, बोले ये बिल्कुल ठीक, किसने लिखा है, बोले ये फला महावीर अधिकारी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक, आजकल तो पता ही नहीं चलता है किसने लिखा है, और अखबार वाले इस बात के लिए लड़ते रहते हैं, मुझे पता है, क्षमा कर देना आप, मैं आपकी बिरादरी में तो नहीं रहा लेकिन आपके मंगल में जरूर रहा हूं। आजकल पत्रकार लोग तो कहते हैं मालिक सिंह मेरा नाम लिखो संवाददाता फला फला फला, क्यों भाई हमारे संवाददाता के द्वारा क्यों नहीं लिखा, मेरा नाम लिखो और उस नाम का जो दुरुपयोग होता है उसका अंदाज लगाइए, क्या क्या दुरुपयोग होता है उसका अनुमान लगाइए। ऐसी स्थिति में जब पत्रकारिता और पत्रकार पहुंच जाते हैं तब फिर विचार आता है, समय आता है, शायद आप में से किसी को जानकारी नहीं हो, किसी को अखबार तो आज भी निकलता है लेकिन ये जानकारी आपको किसी की नहीं होगी कि नई दुनिया में जब तक राहुल जी रहे और राजेंद्र माथुर रहे तब तक रोज शाम को 5 बजे ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए एक बैठक होती थी सहायक संपादक और संपादक की प्रतिदिन नियमित होते थे। काहे की बैठक, मैंने अभय जी से पूछा मैंने कहा बैठक किस बात की, बोले उप शीर्षक क्या देना है इसकी बैठक, शीर्षक तो तय कर लिए संपादक ने लेकिन उप शीर्षक क्या देना है इसकी पत्रकारिता किसकी बैठक है, आज वो भी नहीं, आज तो ये है कि हमने कार्यक्रम किया और आपसे कहते हैं रिपोर्ट कर देना, बोले साहब आपके प्रवक्ता से तो रिपोर्ट लिख करके दे दे जो हम छिपवा दें, दोबारा भला लिखे हम ठीक कह रहा हूं गलत तो रोको, आपके पास हम लिख करके दें और आप लिख दो छाप दो उसको, या आपकी पत्रकारिता कहाँ है, आपकी नहीं है, और दूसरे दिन यदि आपका नाम नहीं छपे ना आपने पूछा क्या छपा ही नहीं, तो बोले आपने लिख करके दिए ही ये पत्रकारिता आ गई हमारी, ये गलत है, ये नहीं आप खुद लिखना कब शुरू करेंगे, तय करो अगर संगठन है तो खुद तय करो, उसकी ट्रेनिंग दो, बैठाओ उन लोगों को, नए बच्चे बहुत पत्रकारिता मारे हैं,
और कभी विचार किया, सोचा आपने क्या कारण है कि पत्रकारिता में महिलाएं कम है और पुरुष ज्यादा है? कभी विचार किया, सोचा? कभी तो सोचो, जो महिलाएं हैं वो जहां बैठी हुई वहां पर अपना काम कर रही हैं, लेकिन बाद में आपका परिवार की लड़कियां, बाल की बहू है, क्यों नहीं है पत्रकारिता? क्या प्रदूषण है कि जिससे वो दूर रहना चाहती है? इसको यदि आप नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलने वाला, कुछ करना पड़ेगा। आपकी तटस्थता, उत्तेजक लिखना आसान है पर शालीन लिखना बहुत कठिन। एक दो गाली लिखो अभी झगड़ा हो जाएगा, लेकिन गंभीरता के साथ में, शालीनता के साथ में यदि आलोचना करेंगे तो सब स्वागत करेंगे। और आलोचक मैं क्या करता हूं, अब हम दोनों अलग अलग पार्टियों को, ये अलग पार्टी का मामला, मैं अलग पार्टी का मामला, लेकिन जो ही उससे पूछा इतने किसको बुलाने, मन का सुधीर भाई से बुलाओ, पूछो बैठो। बोले सर, मैंने कहा कि हिचकिचाने की क्या बात, वो मछली है कि मगर है, राजनीति के तालाब में तो है। कम से कम बुला बुला, ये दोनों बैठे हुए आसपास पूछ रहा हूं। बोले साहब और किसको? मैंने कहा कि मालवीय में बोला, मैं इसमें हमारे कंट्रीज में अबड़ा हुए हजरा बोला, राजनीति में छुआ छू, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया, हमारे पुरखों ने लिखा है और तरीन लिखा है, इसलिए कह रहा हूँ। अगर नीति शतक पढ़ लो तो हम क्या भूल जाए, वर्तरी के नीति शतक पढ़ लो, ये प्रार्थना करके जा रहा हूँ मैं आपसे, तीनों बुला कर खरीद करके पढ़ना, कोई बैठ कर उसमें पढ़ो, सच कह रहा हूँ, खरीद हुई पुस्तक पढ़ी जाती है, बैठ हुई कोई टाल दी जाती है, चीज में पढ़ लेंगे। भरतरी लिखा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, व्यक्ति मनुष्य का वस्तु प्रयोग है, मनुष्य जो सत्ता में किसी भी पद या किसी भी अधिकार में रहा हो या सत्ता से संबंधित रहा हो, वो निश्चित ही नरक में जाएगा। ये भरतरी लिखा है, हाँ हाँ, खुश हो जाएगी।
क्या क्या मांगते हैं, और मैं कहा करता हूँ, हे पत्रकारों, आपकी कृपा से इस देश में हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं, पर दो लोगों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, एक तो बराती को और दूसरा वोटर को, एक बार कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। जो भी बारात में जाएगा वो एक बार कुछ ना कुछ बुराई जरूर करेगा, अरे यार अगर वो और करते तो मैं तो नहीं जाते, पर वोटर को चिंता ही कर लो। आपके बैडरूम में जो टेलीविजन लगा है उस टेलीविजन के ऊपर तो मेरी तस्वीर होनी चाहिए, आपकी क्यों हो, तो मैं हूं यार, रात तो मुझे अच्छा लगा कि मैं तारीफ करूं, लेकिन आप जितना भी काम करो तो जिस भावना से यदि आपने या हमने या और किसी ने आपने पत्रकार ने प्रेस में लिखने की जो भावना से आप अच्छी बात कही सुधीर को, मैं होता तो हेडलाइन दे, आप स्वाभिमानी है कि अभिमानी है? यदि आप स्वाभिमानी हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आप पत्रकार हैं और अभिमानी हैं तो क्षमा कर देना, आपका कोई स्वागत नहीं। बहुत बड़ी बात एक व्यक्ति के मुंह से निकलती है, धारा प्रवाह बोल रहे थे मैं देख रहा था, लेकिन महानुभाव हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, और याद रखो 33 करोड़ देवी देवताओं के देश में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हमारे पास 3 देवियां हैं बड़ी, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा, सारे देवता आपको क्षमा कर देंगे, सारी देवियां क्षमा कर सकती हैं, पर सरस्वती कभी क्षमा नहीं करती, याद रखना इस चीज को, सरस्वती हमेशा दंडित कर देगी क्योंकि आपने शब्द ब्रह्म के साथ अन्याय किया, शब्द को ब्रह्म कहा गया है उसके साथ यदि आपने न्याय किया है तो सरस्वती आपको कभी भी पंडित नहीं कहेगी, कभी मंडित नहीं करेगी, हमेशा आपको दंडित करेगी, और अगर आपके हाथ में कलम है तो आपको विदा करने से पहले उसने माई से कह दिया सरस्वती ने कि जा रहे हो धरती पर, हाथ में कलम है ये लो, इसका मुंह काला है, इसकी स्याही काली है, और सफेद कागज कागज पर लिखना पड़ेगा, इससे ऐसा मत लिख देना कि तुम्हारा मुंह काला हो गया। क्या आज हमारे सामने मिशन ये है, ये है हमारी आज की पत्रकारिता की हमारी छोटी बड़ी समस्या है, और क्षमा कर देना मंसूर के लिए, मैं इसलिए बार बार जिक्र किया करता हूँ मंसूर का, इंदौर से अजमेर तक बीच में कोई अफवाह नहीं, इंदौर से चले जाइए अजमेर तक एक भी अफवाह नहीं था, उस वक्त एक परिवार उठा मंसूर का और एक अखबार शुरू किया जैन ध्वज के नाम से, पहला अखबार निकला यहाँ से जैन ध्वज, पहला अखबार निकला, और उस परिवार को बधाई धन्यवाद। फिर बीच में कुछ लोग पढ़े और उन्होंने कहा कि महाराज अगर जैन ध्वज नाम रखोगे तो जैन ही पढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा, तब फिर राजमल जी ने उसका नाम बदल करके खाली ध्वज रखा, और आप देख रहे हैं चल रहा इतने सालों से, वरना अखबार कहाँ था बीच में, और आज मैं आपसे पूछूं मंसूर से निकलने वाले सारे अखबारों के नाम गिन के बताऊं, 3 पीढ़ियां लगेगी तब मालूम पड़ेगा कि कौन कितने और अखबार की समस्या क्या, पत्रकारिता की समस्या अलग चीज है, अखबार की मालिक की समस्या क्या है, मालिक की समस्या ये है कि ग्राहक के दम पर नहीं जिंदा है वो, तो विज्ञापन के दम पर जिंदा, अगर उसको विज्ञापन नहीं मिला तो रोटी नहीं मिले उसे, और चलो गणेश शंकर विद्यार्थी के सामने खड़ा करके पूछता हूँ आजकल पत्रकारों से, खड़ा करके हाँ बैठे बैठे से नहीं पूछता, खड़ा करके पूछू ईमानदारी से बता दो कि आपका मालिक आपको टाइम पर पैसे दे देता है क्या, नहीं दैनिक आज के मालिक ने अपने लोगों को समय पर, इतना बड़ा अखबार दैनिक आज अपने संवाददाताओं को पैसा नहीं दिया, नाम ले रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, इन सारी बातों पर गंभीरता के साथ विचार करो, आज आपकी समस्या रोटी की समस्या हो,
पेट की समस्या हो गई, परिवार की समस्या हो गई, और उससे बड़ी समस्या हो गई है क्षमा कर देना अगर पत्रकार है तो, बड़ी समस्या हो गई प्रतिष्ठा की समस्या, और प्रतिष्ठा आपके आचरण से बनेगी, प्रतिष्ठा लिफाफों से नहीं बनेगी, प्रतिष्ठा लिफाफों से करनी। बताइए कि अभी आए हैं वहां से लोकसभा से, मुझे पता है कल तक के लिए वहां पे कितनी मुश्किल से आए हमें जा रहे हैं, और मुझे पता है कि सामने हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे का आलोचक है, दुश्मन थोड़ी है, आप तो दुश्मन इतने पड़े होते करवा देते हैं, झगड़े करवा देते हैं, और इनके और मेरे नाम पर लिख देते हैं, और हम हंस करके टाल देते हैं, और फिर कहते हैं कि साहब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप दंगा करवा दिया, आपकी कृपा से धक्का हुआ है, न ये जिम्मेदार न मैं जिम्मेदार, लेकिन आपकी एक छोटी सी सूचना ने कर दिया है दंगा, अब आप हमसे पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा कृपा करें, अपने आप को परिश्रम करें, जो काम महर्षि दयानंद ने किया वो आप करें, महर्षि दयानंद के सामने जब चारों वेद रखे गए तो उनमें से वो सारे मंत्र और दिशाएं काट करके फेंक दी उन्होंने, जिनको बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, साथ पति और पत्नी भी एक साथ नहीं पढ़ सकते थे, वो दिशाएं काट दी, ये कारण है कि महर्षि दयानंद आज हमारे अवतारों में गिने जाते, परिश्रम करो, आज आपके सामने परिश्रम वेद हैं, आपके सामने परिश्रम ग्रंथ हैं, आपके सामने पुरानी पत्रकारिता परिष्कृत है, आपके सामने सब कुछ पुराना है, और आप नए की ओर बढ़ रहे हैं, बस इतना आगे बढ़ रहे हैं कि जब मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ इस वक्त में यहाँ आज, तो मेरा बोला हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ पर लोग देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये मुझे मालूम, आपके हाथ में व्हाट्सएप है मशीन, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं, मुझे उधर उधर बोल रहा और मुझे ला करके उधर उधर में भाषण दे रहा था, ला करके मुझे वहाँ के कर्मचारी ने व्हाट्सएप पर बताया कि आप बोल रहे हैं, और ये आपके सोमवार वाले बच्चे ने मुझे टेलीफोन पर यहाँ से भेजा है, माध्यम इतना आगे बढ़ गया, प्रतियोगिता आपकी बहुत सख्त हो गई, बहुत कड़क प्रतियोगिता है, और मालिक आपके उदार नहीं रहे, मालिक आपके थोड़ा सा संघर्षशील हो गए, सोचा जाए किया, क्योंकि मैं सूचना मंत्री रहा हूं तो एक संस्था और सुना करके मैं बैठ जाऊंगा, धन्यवाद सुनूंगा, बहुत छोटा संस्था, मैं सूचना मंत्री बना तो प्रदेश में सूचना प्रसारण मंत्रालय नहीं होता, नहीं होता है, प्रदेश में सूचना प्रकाशन मंत्रालय होता है, रेडियो और टेलीविजन केंद्र क्या होते हैं, लेकिन अखबारों के प्रकाशन वाला मामला प्रदेश क्या है, तो मैं सूचना प्रकाशन मंत्री था, आप लोगों में से कई लोग यहाँ वो बैठे हुए हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या एक अखबार निकलता था उसका नाम था स्वदेश, मुझे पता है कि यहां से हर घर से चंदा जाता था उसके लिए, अष्टारागी संबंध आपके हस्तक, और मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि अखबार तो आज भी जिंदा है लेकिन मंसूर में कितनी प्रतियां आती है, ठीक है, हुआ क्या नाते है इसकी, मैंने पूछा उनसे, कहा मैं गया अष्टारागी के पास सूचना मंत्री के नाम सारे अखबारों में तुम गई गए, उन्होंने मुझे बुलाया, स्नेह से बताया, बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा पत्रकार, बहुत समझदार है, और बड़ा काम है उनका, मैं उनका प्रशंसक हूं, बैठो चाय बिस्कुट दूध जो भी चाय उन्होंने बुलाया, लंका की मशीनें आपकी हैं, दूसरी
पीछे के छपता है अखबार, तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह नहीं छपता है अपना ही प्रेस, इंदौर के पास आपका प्रेस तो एक घंटे में कितनी पुतलियाँ छापते हैं। तो उन्होंने छापने वाले ने पूछा कितनी पुतलियाँ छपती है, तो मैंने कहा कि दादा चलो वहाँ बैठते हैं अपन मशीन के पास में और गिनते हैं कि आधे घंटे में कितनी पुतलियाँ निकली। जैसे ये कहा तो पछताना जी सर, उनका आप यहीं विराज हो क्योंकि सर्कुलेशन कितना है और आप विज्ञापन के लिए सरकार को कितने संख्या दे रहे हो उससे मालूम पड़ जाएगा। बोले कि ये सब हमारी यहाँ पर ये इंस्ट्रक्टिव मत करो, आप तो जैसे तुम्हें चल रहा है यशाना जी आप जीवित हैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, हमारे बीच अभी भी अखबार निकालते हैं और राधेश्याम भाई अभी भी हैं उसके संपर्क, ठीक कह रहा हूँ राधेश्याम शर्मा अभी भी हैं और वो यहाँ के संस्कृत के लेकिन अखबार अब उसके संवाददाता को इस तरह से मेंटेन करें ये उनकी कोशिश है, परेशानी संवाददाता तो रखे होंगे, आप इस तरह से काम करते हैं आपकी समस्याएं हम सब जानते हैं, ये भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपने विद्यार्थी को याद करके मिल करके बैठने की जो कोशिश की है उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं संस्था से कह रहा हूँ, अच्छा है देवनागरी में लिखती है एक एक शब्द अंग्रेजी का नहीं होते, अभी कम से कम लिपि तो आपने हिंदी रखी कितना अच्छा लगा, मैं देखता हूँ इसलिए कह रहा हूँ लोकसभा की कार्रवाई या देखता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, कर्नाटक का एक मंत्री हिंदी को बोला तो तालियां बजाएंगे लोग, ये जय मां पर बैठो कर्नाटक का मंत्री ने उत्तर हिंदी में दिए तो तालियां बजे, देश में संसद में हिंदी में तालियां बजने लगती हो उस देश में हिंदी का भविष्य अच्छा है, पत्रकारिता का और भी अच्छा है, इस पर विश्वास रखिए, सरस्वती पर विश्वास रखिए और स्वाभिमानी रहिए अभिमानी मत बनिए। और दूसरा आपसे ये निवेदन है कि तटस्थता को अधिक से अधिक शील के साथ स्वीकार कीजिएगा, यदि तटस्थता टूट गई तो आप समझ लो कि राम सेतु का एक पत्थर टूट गया है, फिर सीता वापस नहीं आ पाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, राम सेतु को जीवित रखो। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है 20 मिनट ये बोले 40 मिनट हो गया, एक बार इस संस्था के सम्मान में ताली बजाते और एक बार हमारे विधायक के भविष्य में ताली बजाते।